भाभी जी पाए लागू। दरअसल क्या है ना भाभी, आज ना मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। इतनी एनर्जी आ गई है कि सुबह से ना कुछ लोग मेरे शरीर से अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, ये मोबाइल चार्ज हो गया आपका? कोई बात नहीं यार, थैंक यू। क्या बात है, इसके पैसे दे देना। भाभी इतनी एनर्जी है ना कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं बिजली विभाग वालों की नजर मेरे ऊपर ना पड़ जाए और मेरे शरीर का बिल ना भेज दे। सही कह रहा भाभी, बहुत एनर्जी है। पता है क्या इसका रीजन क्या है? आज की स्पेशल खबरें इतनी एनर्जेटिक है ना कि आप देखोगे ना तो आपके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। भरोसा नहीं हो रहा ना, तो आओ नजर डाल लो। एक राजवीर से इश्क लड़ाकर मंजुलिका ने किया अपना वार। पति ने अपने ही घर से परिधि को निकाला बाहर। रमन के लौटने पर घर वालों ने लिया ब्यूटी ट्रीटमेंट, पर शगुन की शातिर चाल ने खत्म किया सारा एक्साइटमेंट। अर्जुन बिजलानी कैसे करते हैं दिन की शुरुआत? भाभी कहीं ना जाइएगा, पूरी दिखाएंगे आपको इस नागराज की बात। मेकअप के बाद कैसे बदलता है हनुमान का चेहरा? राज छिपा है इसमें कोई गहरा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को हुए 8 साल पूरे। जेठालाल और दया बहन बिना ये शो है अधूरा। भाभी सीरियल कवच में राजवीर भैया बहुत परेशान है। जहाँ एक तरफ वो प्यार करते हैं अपनी पत्नी परिधि से, वहीं दूसरी ओर मोंजोलिका अपनी कातिल निगाहों से उन पर वार कर रही है। यार इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरी एक एडवाइस लो, आप एक काम करो ना, मोंजोलिका के साथ सेट हो जाओ। देखो उससे दो चीजें होंगी, मोंजोलिका शरीर के अंदर घुसती है तो आप बोल सकते हो कि लड़की मुझे अंदर से प्यार करती है, और अगर आप कोई उलूल झुलूल हरकत करोगे तो हम भी कह सकते हैं कि आप पर तो प्यार का भूत सवार है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। अरे ये क्या हो गया राजवीर को? परिधि को छोड़कर पराई औरत के साथ रोमांस? ऐसे तो ना थे राजवीर। आज ऐसा क्या हुआ जो मंजुलिका पर इनका दिल आ गया? दरअसल ये राजवीर नहीं है, बल्कि राजवीर के अंदर घुसी हुई सुदामिनी की आत्मा है जो उनसे ये सब करवा रही है, और ये सब कुछ किया गया परिधि को जलाने के लिए। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। सो दोनों हाथों में लड्डू। आई डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स गो एंड वॉच हाउ दीज लेडीज आर गोना डू टू सीड्यूस दिस मैन। सो या समथिंग न्यू टू डू। Now mother has also taken over for Rajveer. I mean, now audience is also bored with two young beautiful women seducing him. So let me do it. और लीजिए दोनों माँ बेटी का प्लान हो गया कामयाब। दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। बेचारी परिधि अपने पति को किसी और की बाहों में देखकर कैसा लग रहा होगा? जादू है, नशा है, मदहोशियां। पर कहीं ना कहीं परिधि को भी पता है उसके घर में ये सब कौन कर रहा है। लेकिन ये क्या, राजवीर को फिर क्या हुआ? उन्होंने तो परिधि को घर से बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर को लगता है कि उसके पिता की मौत की जिम्मेदार परिधि ही है। स्पेशली जब उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है और मेरे डैड को स्टैब कर दिया है उसने, उसके बाद कोई आके मुझे बोलता है कि पियो, अरे ऐसे नशीला बदन, ये वो, ऐसी बातें कर जा रहे हैं। इधर राजवीर भी परिधि को बाहर निकाल कर कोई खास खुश नहीं है। नशे में धुत होकर उसने किया घर में तोड़फोड़। क्या करे, आखिर दिल तो दिल है, कैसे परिधि को यूं अकेला छोड़ दे। इसलिए नौकर के हाथ भिजवा दिया कंबल और छतरी। ना तूने मुझे गम दिया,
फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। सारी सिचुएशन से राजबीर है परेशान और इसीलिए निकाला है उन्होंने एक समाधान, घर से दूर गाड़ी में बैठ शराब पीकर खुद से बात, जिसमें परिधि ने भी दिया उनका साथ। 880 वोल्ट का शॉक लगा है बिकॉज परिधि इज ऑलवेज बीन द, इनफैक्ट हमने फ्लैशबैक में शो भी किया है कि वो कैसे कनेक्ट करता है कि परी कैसे ग्लास छीन लिया करती थी एंड शी नेवर लेट राजबीर ड्रिंक एंड नाउ शी इज कम्प्लीटली शी इज अ कम्प्लीट कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट शी वॉज बिफोर इन एवरी वे। सो शॉक लगा है, बुरा वाला शॉक लगा है कि इतना कुछ होने के बावजूद she's got the guts or the confidence to walk up to me with the bottle and she's asking me to drink. तो ये बहुत बड़ी बात है। रोकने की बजाय खुद भी पी परिधि ने शराब, जिसे देखकर राजबीर का टूट गया ख्वाब। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, आईबीएन 7। भाभी सीरियल ये है मोहब्बत की वजह से ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। दरअसल रमन की हो रही है घर वापसी, जिसके लिए इशिता तैयार हो रही हैं। बहुत बड़ी टेंशन की बात है। नहीं, टेंशन इस बात की नहीं है कि रमन घर वापस आ रहे हैं, टेंशन इस बात की है कि इशिता तैयार हो रही हैं। इशिता है तो क्या हुआ भाई, है तो लड़की ना, और जब लड़की तैयारी करती है तो आपको पता ही है। बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि रमन आए इशिता को ढूंढे, इशिता ना मिले और वापस चले जाए और ये तैयारी होती रह जाए। आज इशिता इतनी खुश है, सच रही है, सवर रही है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इशिता के रावण कुमार वापस आ रहे हैं। अब रमन मियां गए हुए थे एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर। वैसे अंदर की बात तो ये है कि रमन बने करण पटेल गए थे लंदन मनाने अपना हनीमून, क्योंकि जब से हुई है उनकी शादी तब से बीवी ने नहीं लेने दिया उनको सुकून, इसलिए घुमा लाए और मना लिया हनीमून। वैसे आपको पता है सिर्फ इशिता ही नहीं, घर का हर एक एक सदस्य कर रहा है रमन का इंतजार। पेडिक्योर, फेशियल, लटे डाई कराइए। अब देखेंगे इसके बाद हमारी सूरत क्या निकलती है, देखते रहिए। ये है मोहब्बत। इंतजार की घड़ियों को कम करने के लिए सबने लिया है पार्लर का सहारा और ऐसे सज रही है मानो किसी बारात में जाने का मिला हो मौका। एक तरफ पूरा घर हो रहा है तैयार, तो वहीं शगुन ने साजिश का निकाला है एक और तार और मिला दी इशिता की डाई में कुछ केमिकल, ताकि इशिता के बाल हो जाएं खराब। लेकिन शगुन का प्लान हो गया फेल, इशिता नहीं मिसेस भल्ला के बालों का निकला तेल। ये हाल बनना था इशिता का, लेकिन एन वक्त पे जब वो ब्यूटी पार्लर वाली उसके बाल डाई करने जा रही थी तो रमन का फोन आ गया, वो लेने चली गई रमन को, और कलर बचाने के चक्कर में हम लोगों को जो है ना मतलब एक मौका मिल गया। देखिए जरा क्या हो गया मिसेस भल्ला के बालों के साथ, पता चल गया तो रमन छोड़ेगा नहीं अपनी शगुन को। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, आईबीएन 7। भाभी जैसे लोग पिछले जन्म में कोई पुण्य करते हैं, मुझे लगता है कि ठीक वैसे ही मैंने पिछले शो में कोई पुण्य किया होगा कि इस शो में मुझे भगवान का बड़ा रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान की, जहाँ पर हम देखेंगे हनुमान जी का बड़ा रूप। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव और हो क्लेशोकर। जय श्री राम। आज राम भक्त हनुमान सीधे पधारे हैं भाभी तेरा देवर दीवाना के दर्शकों से मिलने।
देख लीजिए भाभी, आज आपको हनुमान जी यानी निर्भय वाधवा के सीधे दर्शन हो रहे हैं। देखिए आपने कलयुग के हनुमान की बॉडी और डोले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जैसे बलशाली बनने के लिए ये कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत काफ़ी की है। मेरे साथ साथ मेरे मेकअप आर्टिस्ट वो भी बहुत मेहनत करते हैं, मेरी क्रिएटिव टीम वो भी बहुत मेहनत करती है, और फिजिकली मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हनुमान जी का रोल कर रहा हूँ, तो उनके जैसा दिखना बहुत ज़रूरी है। सारा गेम ही इस बॉडी बिल्डिंग का डाइट से रिलेटेड होता है, तो मैं अपनी कभी भी कोई भी मील स्किप नहीं करता। खाना अगर स्किप करेंगे तो हनुमान जैसे कैसे दिखेंगे? लेकिन एक बात तो है, हनुमान जैसी बॉडी बनाने के अलावा जो इनको भगवान हनुमान के जैसा दिखाता है वो है इनका ये मेकअप, जिस पर होता है काफी एक्सपेरिमेंट। पूरी बॉडी पे मेकअप किया जाता है, स्पेशली मेरी आईज पे ज्यादा मेकअप किया जाता है। जो ज्यादा चीज टाइम लेती है वो होते हैं विग, और जो मेरे मुंह पे लगता है प्रोस्पेक्ट, और उसके बाद आई मेकअप, इन पे बहुत ज्यादा टाइम जाता है। धीरे धीरे करके निर्भय ने अब पहना हनुमान का चोला, हाथों में बाजू बंद, सर पर मुकुट, गले में माला और हनुमान जैसा दिखने के लिए पूरी बॉडी पर मेकअप कर डाला, और देखते ही देखते अपने निर्भय बन गए हनुमान। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। मुकुट डाला हुआ है, मेरे टेल लगी हुई है, बाजू बंद है, बहुत सारे एक्सेसरीज हैं जो आप देख पा रहे होंगे, और ये मेरे ख्याल से 5 से 6 किलो की होंगी कम से कम। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लेकिन मैं इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छी बात है कि उनका रूप धरने के बाद आप अपने आप को बलशाली ही महसूस करते हैं। लेकिन एक बात तो बताइए, हनुमान जी के सबसे प्यारे दोस्त गधा को संभालते हैं आप? गधा का भी वेट 3-4 केजी का है, जबकि वो डमी है, हल्की बनाई है, और भारी गधा तो बहुत ज़्यादा भारी है जो ओरिजिनल है। लेकिन फिर भी हल्की गधा को भी उठाने में हालत खराब हो जाती है अगर फाइट सीक्वेंस आते हैं, मेरे को चलानी पड़ती है। तो सच ही कहते हैं कि जिसने हनुमान जी का नाम जप लिया मानो उन्होंने राम जी को भी खुश कर दिया, और आप तो खुद हनुमान बन दुष्टों का नाश कर रहे हैं, तो यकीनन आप पर भगवान श्री राम की असीम कृपा ही होगी। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी पढ़ी लिखी औरतों की तो बात ही कुछ और है। कल क्या हुआ, एक पढ़ी लिखी औरत का कुत्ता गुम हो गया, वो गई पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने। वहां जाके बोलती है, इंस्पेक्टर साहब मेरा डॉगी गुम हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए ना। अच्छा, कुत्ते का हुलिया बताइए, पहचान बताइए। लिखिए, उसका एक हाथ नहीं है, उसका एक टांग नहीं है, उसकी एक आंख भी नहीं है, और पूंछ है ना वो आधी कटी हुई है। कुत्ते का नाम क्या है? लकी। आंखों ही आंखों ने पहले कुछ दिन बातें की, बातों ही बातों ने फिर कुछ दिन मुलाकातें की। यूं ही चलती रहे बातें, यूं ही चलता रहे सिलसिला, करूं दुआ यही दुआ तेरे। प्यार की शुरुआत में यही होता है, नजरें मिलती हैं और धड़कन दिल की तेज होती है। यूं ही चलता रहे सिलसिला, करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया, करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं प्यार का आलम कुछ ऐसा है कि एक दूसरे की तकलीफ को दूर करने के लिए नायरा और कार्तिक पहले ही तैयार रहते हैं। मन वाला गे, ओ मन वाला गे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लिखे रहूं जिया कटिया कटिया कहे गावरे। मन वाला गे,
हुआ कुछ यूं कि अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए नायरा ने कस ली है कमर, तो बस उसी के लिए गुरु माँ ने नायरा को कह दिया कीचड़ में कथक की प्रैक्टिस करने को। और गर्मी में इतनी मेहनत करते हुए नायरा थक कर गिरने ही वाली थी कि उन्हें संभाल लिया उनके हीरो ने। भाग मिल्खा भाग टाइप का कथक डांस हो रहा है जहाँ पे उसके पैरों में वेट्स डाले गए हैं, मिट्टी पर उसे डांस करवाया जा रहा है। तो वो देखता है, वो काफ़ी घबरा जाता है देख के कि नायरा को कहीं चोट ना लग जाए। उसे एक कांटा पड़ा रहता है तो वो कांटा उठा के भागता है और एंड देन बाय द एंड नायरा फॉल्स, तो ही पिक्स हर अप एंड देयर इज अ क्लोज मोमेंट एंड अ वेरी इमोशनल मोमेंट। के पहले भी वो नायरा को फ़ोन करके बोलता है कि प्लीज़ आराम से डांस करना वरना घर की दीवारें गिर जाएगी, तो वो अपनी तरीके से बोलता है मगर वो बता भी नहीं सकता बेचारा कि ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट हर्ट। अब तो ये सहारा देना लेना चलता ही रहेगा कार्तिक, पर हमें ये भी तो बताइए कि आपको नायरा को यूं संभालते देख गुरु माँ ने आखिरकार आप पर गुस्सा क्यों किया? गुरु माँ भी उन्हें डांटती है क्योंकि जब कार्तिक उन्हें उठाते हैं तो वो एक अजीब सा एक मोमेंट पे गुरु माँ आती है जो देखती है कि ये क्या चल रहा है। एंड शी आस्क कि ऐसे अपने पापा का सपना पूरा करोगी? एंड ही आस ही टेल्स हर कि यू नो मैम सॉरी मैम, वो बेचारी गिर रही थी इसलिए उन्हें उठाने गए। एंड शी ऑब्वियसली इज़ इन हर ओन जोन और वो स्ट्रिक्ट टीचर है और वो कार्तिक को भी भगा देती है वहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, अब बस नायरा का यूं ही साथ दीजिए क्योंकि आपको उनका प्यार भी तो पाना है। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। जोक ऐसा सुनाइए हसत हसत थक जाए, भाभी खुद उठकर बोले देवर जी एक ब्रेक हो जाए। अरे बहुत टेंशन में हूँ यार, सर फटा जा रहा है। सुनने को मिला है कि सीरियल सिया के राम में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है और पता नहीं कोई बता भी नहीं रहा है। बताइए ना, कबीर जी फोन उठा रहे हैं ना देश का देवर फोन उठा रहा है, कौन बताएगा मुझे? एक बार और ट्राई करता हूँ। ये तो लंका में फोन लग गया यार। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। सीता माँ के तो लाखों करोड़ों भक्त हैं, जिन्हें मुश्किल से मिलता है मौका उनसे मिलने का, लेकिन इस नन्ही सी जान ने ऐसा क्या कर दिया जो मिल गया इन्हें मौका सीता माँ से मिलने का? आज बहुत खास दिन है मेरे लिए, जैसे आप सभी मुझसे मिलने रामू जी आते हैं और आप सभी का इतना प्यार मिलता है मुझे, पर आज खास दिन इसलिए है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ननी सी फैन जो बहुत स्टार प्लस से नाराज़ हो गई थी कि सैटरडे और संडे हमारा शो बंद हो गया और मुझे सिर्फ वही टाइम मिलता था क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, तो छोटी सी नन्ही सी लड़की ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे सीता जी से मिलना है और बहुत मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसलिए हमने अनवी को मनाने के लिए अनवी को उसके पेरेंट्स के साथ हमारे पास अपने पास बुलाया है ताकि वो एक दिन पूरा हमारे साथ बिता सकें, हमारे सेट पर देख सकें कि हम कैसे काम करते हैं और हम कितना मज़ा भी करते हैं। अच्छा तो ये बात है, मतलब ये आपसे मिलने आई हैं ऑन अ स्पेशल डिमांड। जरा देखिए तो सही आप सब मिद्राक्षी की नन्ही फैन को जो उनसे मिलने आई है बिल्कुल छोटी सीता माँ बनकर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना।
क्योंकि अन्वी थोड़ी सी नाराज थी, तो अन्वी को और मनाने के लिए, क्योंकि अन्वी को सीता जी बहुत पसंद है, इसलिए अन्वी को मैंने अपने बचपन के कपड़े दिए हैं ताकि वो छोटी सीता बन जाए। अन्वी अपना ड्रेस दिखाओ। इतना ही नहीं, ये तो अपनी सीता माँ के लिए तोहफा भी लाई है, जहाँ मिद्राक्षी ने भी दिया अपनी नन्ही फैन तन्वी को तोहफा। थोड़ा मीठा तीखा लेते चले, जो उनको पसंद हो लेते चले, थोड़ी गुजिया बुजिया लेते चले, और थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। भाई सीता माँ की सबसे बड़ी फैन से तो हमने आपको मिलवा दिया, अब जरा राम जी को तो देखिए, जो हैं बहुत परेशान क्योंकि मेघनाथ के वार से लक्ष्मण हो गए हैं मूर्छित। लेकिन यहाँ राम के परम भक्त हनुमान ने संजीवनी बूटी ला बचा ली लक्ष्मण की जान। मेघनाथ का बाण लगता है लक्ष्मण को, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मरणासन्न हो जाते हैं, और राम जो हैं वो उनके लिए बहुत विचलित होते हैं, और क्योंकि लक्ष्मण जो है लगातार मृत्यु की ओर जा रहे हैं और समय बहुत कम है। इसी के बाद राम ने कर दिया ऐलान कि लक्ष्मण ही करेगा मेघनाथ पर वार। मेघनाथ का वध मेरा अनुज सुमित्रानंदन लक्ष्मण ही करेगा। जहां राम जी सीन के दौरान है निराश, वहीं ऑफ स्क्रीन इस सीन को शूट करते वक्त कर रहे हैं जमकर मस्ती। इतना ही नहीं, इन्होंने तो यहां क्रिकेट का भी लिया जमकर मजा। मटर गश्ती खुली सड़क में, पकड़ी तड़क भड़क में, बोले गिरे सुलगते से, सुलगते से सड़क में। जरूरी है वो कि आप थोड़ा माहौल एकदम लाइट रखें, हंसी मजाक में काम करें, क्योंकि वैसे ही इतना स्ट्रेनस शूट होता है हम लोगों का, इतना कितनी घंटों तक हम शूट करते हैं, उन्हीं चेहरों उन्हीं लोगों के साथ में हर रोज़ शूट करते हैं, तो अगर वहाँ पे हंसी मजाक हंसी खुशी नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है शूट करना, और जब आप थोड़ा सा लाइट रखते हैं माहौल को तो सभी खुशी खुशी काम करते हैं और काम भी अच्छा होता है। सही कह रहे हैं आशीष जी आप, अगर काम के बीच मस्ती ना हो तो कैसे होगा स्ट्रेस रिलीज। तो भाई आप कीजिए मस्ती, हम चलते हैं किसी और सेट पर जानने उनका हाल। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी जरूरी नहीं कि जो इंसान बोले वही बात हो। क्या हुआ, एक आदमी ने आके बोला साहब जी मोटर खराब हो गया। साहब जी ने बोला अच्छा मोटर खराब हो गया, तो इसमें टेंशन ही क्या बात है, मैं ठीक करवा दूंगा। ओके ठीक है, तो आप ठीक करवा देना मोटर, तब तक मैं काम करता हूँ गोभी बना देता हूँ। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल जुबा काले हो। बार बार देखा हजार बार देखा, पर गोपी लग ही रही है इतनी खूबसूरत कि डॉक्टर कृष्णा की नजर ही उन पर से हट नहीं रही। मौका है डॉक्टर कृष्णा की सुहागरात का, जिसके लिए सासु माँ ने की कड़ी मेहनत। पहले तो गोपी को कन्विंस किया और सजाया सवारा, फिर उन्होंने सजाया कृष्णा का कमरा। देखिए कितनी खूबसूरत है ये सेज और ये कमरा। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है। डरी सहमी गोपी आ तो गई है कृष्णा के पास, लेकिन वो हैरान रह जाती हैं जब कृष्णा बोलता है कि वो तब तक गोपी को सिर्फ अपना दोस्त मानता रहेगा जब तक वो अहम को पूरी तरह से अपनी यादों से नहीं मिटा देती। फिलहाल शो में होने वाली है गोपी के अहम की वापसी, जो लौटेगा एक नए लुक के साथ, और साथ ही होंगी उनकी गर्लफ्रेंड मानसी। यानी शो में होने वाला है जबरदस्त ड्रामा, जिसमें दिखेंगे ट्विस्ट और लव ट्रायंगल का फसाना।
आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल अम्मा ने टीवी इंडस्ट्री में आते ही धूम मचा दिया। इससे ना एक बात तो तय है कि जब इंसान अपनी पर्सनल लाइफ से दुखी हो जाता है तो वो अपनी माँ को याद करता है, और जब वो टीवी इंडस्ट्री के कुछ घिसे पीटे सीरियल से परेशान हो जाता है तो वो अम्मा को याद करता है। यो, कहीं ना एकदम 100% की बात। कर के 16 श्रृंगार वो दुल्हन सी नजर आने लगी। इनकी तो अदा होगी तभी तो हमारी भाभियों की जान जाने लगी। आज यहाँ मौका है जीनत और परवेज की शादी का, जिसके लिए हमेशा सादगी से रहने वाली जीनत ने पहन लिया है दुल्हन का ये शाही चोला। कि ये मुस्लिम कैरेक्टर है तो ग्रीन वो लोग मोस्टली कर रखते हैं, और क्योंकि ये साउथ इंडियन लेडी ने तैयार किया है तो थोड़ा गोल्ड और वाइट का भी है, तो जो बेस है वो वाइट है और इसमें ग्रीन एम्ब्रॉयडरी है, थोड़ा गोल्ड है, थोड़ा वाइट है, और जो ज्वेलरी है वो एमरल्ड एंड पर्ल्स ही है। इट्स अ रियल ज्वेलरी फ्रॉम गहना सिंह। आपको बता दें कि इस लुक में जीनत काफी कहर ढा रही है, लेकिन असलियत में वो होती है इससे काफी परेशान। सूट सलवार हो गया, वो सिर्फ कभी दिवाली हुई या कोई और कोई फंक्शन हुआ, कोई पूजा हुई तब पहनते, और अभी मैं रोज आके सूट सलवार पहनती हूँ और दुपट्टा लेती हूँ, मेरा सिर दुख जाता है। वेल, जहाँ एक तरफ उर्वशी का है ये हाल तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्यार से परवेज मचा रहे हैं इस लुक में काफी धमाल। और तो और जनाब की ऑफ स्क्रीन बीवी भी दे रही है इस ऑन स्क्रीन शादी में उनका साथ। आज मेरे लिए खाना भी लेके आई थी, तो सारी मेरी लाइफ चेंज हो गई है उसके बाद, शादी के बाद। कपड़े किस तरह के, मुझे बाहर जाता हूँ तो कपड़ों में हेल्प करती हैं कि मेरे ऊपर ये अच्छा लगता है, क्योंकि उनका खुद का मॉडल हैं तो उनको पता है कि क्या अच्छे लगते हैं कपड़े क्या, तो मुझे हेल्प करती हैं डेफिनेटली। चलिए बढ़िया है, आपकी तो चांदी ही चांदी है। ऑन स्क्रीन के साथ ऑफ स्क्रीन बीवी का भी मिल गया साथ। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। यह बात तो भगवत गीता में लिखी है कि सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। जहाँ पर भगवत गीता छपती है ना, उसी के बगल में एक और प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर छपी एक किताब में लिखा है कि सिर्फ इंसान का ड्रेस बदलता है बाकी उसका चरित्र नहीं। एकदम ठीक लिखा है यार। मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार भाभी जी घर पर हैं, मैं देखिए तो आपको बात पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि विभूति भैया ने सिर्फ उसमें पुलिस की ड्रेस पहनी है, बाकी अंगूरी भाभी से फ्लर्ट करने का चरित्र नहीं छोड़े हैं। भाभी जी के घर में रोमांस की बौछार, हर तरफ है बस प्यार ही प्यार। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। जी हाँ, हमारे विभूति जी बन गए हैं दबंग खान, जो अनीता भाभी के साथ लड़ा रहे हैं इश्क। विभूति जी पर चढ़ गया है सलमान का भूत, तभी तो अनीता जी को वो समझ रहे हैं सोनाक्षी और खुद को कूल डूड। विभूति जी तो हो गए हैं मस्त अनीता जी के साथ करने में रासलीला।
हम भी चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या दिखाएंगे हमारे देवर रंगीला आलोक मिश्रा के साथ। गीतिका पंत, मुंबई, आई दिन 7। भाभी, एक पत्नी ने अपने पति से आगे पूछा कि सुनो जी, आप मुझे कितना प्यार करते हो? पति बोला, एकदम शाहजहां की तरह। बोली, अच्छा तो तुम मेरे जाने के बाद ताजमहल बनवाओगे? एकदम सही कह रही हो, मैंने तो प्लॉट भी ले लिया है, चार दीवारी खड़ी भी कर दी है, देरी बस तुम्हारे में है। तुम निकलो तो मैं लेंटर डलवाऊं। कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है। क्यों छलक रहे हैं रानी की आंखों से टप टप आंसू? क्यों दिख रही है रानी इतनी गुमसुम? और ये रानी कहाँ पहुंच गई है? अचानक राजमहल से इस कोठरी में कैसे? ओहो, तो इसके पीछे राजा का हाथ है। राजा ने कर लिया है रानी का किडनैप। भागोगे नहीं? पता नहीं राजा पे हो गया है कौन सा भूत सवार, जो एक एक करके कर रहे हैं रानी पर इतने वार। मुझसे बचकर भागने के बाद कभी नहीं सोचा, लेकिन इस बार तो राजा ने कर दी है हद पार। देखो तो सही, बेचारी रानी पर कर रहे हैं कितने अत्याचार। आज तो हद कर दी है, उसने मुझे किडनैप करके ले आया है, वो भी ऐसी जगह जहाँ मैं ट्रैप हो गई हूँ, मैं कहीं से निकल नहीं सकती हूँ। मैं इधर जा रही हूँ तो वापस घूमकर वहीं आ रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ तो वापस घूमकर वहीं, तो आई डोंट नो मैं कैसे जाने वाली हूँ। मुझे मेरी दादू का टेंशन है, मेरा टेंशन है, ये क्या करने वाला है, आई डोंट हैव एनी आईडिया क्यों ऐसा कर रहा है। दरअसल राजा का ये सब करने के पीछे छिपा है एक मकसद। बचपन में राजा को जाना पड़ा था राजमहल से दूर हॉस्टल में रानी की वजह से, जहाँ राजा को उठानी पड़ी थी बहुत परेशानी। बस उसी बात का बदला ले रहे हैं राजा रानी से, और देखिए कैसे रानी के साथ कर रहे हैं हाथापाई। लेकिन रानी भी तो है झांसी की रानी, उन्होंने भी राजा को अच्छी फटकार लगाई। ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए मैं थोड़ी ना बोलूंगी मुझे खा जाओ, मुझे इधर उधर भागना तो पड़ेगा, तो बचने के लिए धक्का मारा, नोचा उसे, लेकिन उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरा सिर फूट गया और मैं गिर गई बेहोश होके। हाँ, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, ए भाई। अब बेचारे राजा करे भी तो क्या करे, एक तरफ वो करते हैं रानी से प्यार, लेकिन दूसरी तरफ उनका पास्ट हो जाता है उनके आज पर सवार। चलिए देखते हैं क्या राजा निकाल पाते हैं इस परेशानी का कोई सोल्यूशन, या इसी तरह जारी रहेगा राजा रानी के बीच ये रेवोल्यूशन। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, आई दिन 7। कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ठीक है, लेकिन पता है क्या, हमारी खबरी भाभी ना कौवों से नहीं डरती हैं, क्योंकि वो झूठ बोलती ही नहीं है। और तो और हमारी खबरी भाभी बहुत सीधी है, बहुत ज्यादा सीधी है, इतनी सीधी है ना कि भाभी उनको तो गाय भी काट के भाग जाती है। राम झूठ ना बुलवाए, झलक अभी शुरू भी नहीं हुआ कि यहाँ से सबसे बड़ी खबर आ गई। हम सुने हैं कि झलक से गणेश हेगड़े की विदाई होने वाली है, विदाई। उका है कि वो प्रोडक्शन हाउस की नाक में दम घिए रहे, यही लिए प्रोडक्शन वाले उनको बाहर निकाल के अब फराह खान को लेने की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही सुने हैं हम। राम झूठ ना बुलवाए पर सिमर में आने वाला है एक बड़ा सा लीप। सिमर की बेटी अंजलि हो जाएगी बड़ी और पूरा घर धीरे धीरे हो जाएगा बूढ़ा। पर सिमर की बेटी के किरदार के लिए वैशाली टक्कर को लिया जा रहा है। हम एकदम सही सुने हैं।
राम झूठ ना बुलवाए। पर जाते जाते आपको बताते जाते हैं कि ऊ चक्रवर्ती अशोक की हेलन है ना, हेलन। हाँ हाँ, वही सुजैन बर्नेट। ऊ ना शो छोड़कर जाने वाली है। ऊ कहा है कि सोमा उनका किरदार मर जाएगा। बस जब किरदार ही नहीं तो सुजैन का क्या काम। इसलिए ऊ काफी दुखी है आजकल। हम एकदम सही सुने हैं। भाभी रिमोट टीवी का देना कहीं छुपाए, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ, कोई चैनल बदल ना पाए। भाभी टीवी इंडस्ट्री की बहुओं को देखकर लगता है कि उनमें कितना जहर भरा हुआ है। सही कह रहा हूँ। कल क्या हुआ, टीवी इंडस्ट्री की एक बहू को सांप ने काट लिया। जैसे ही वो सांप को मारने के लिए लाठी उठाई रही थी कि सांप ने बोला, एक मिनट, मैं तो आपसे जहर भरवाने आया था। आज हम आपके फेवरेट स्टार अर्जुन बिजलानी के साथ एक पूरा दिन बिताने वाले हैं और आज हम पहुँचे हैं उनके घर। घर से शुरुआत करेंगे और देखते हैं कि आज इस पूरे दिन में क्या क्या करते हैं वो। और फिलहाल तो वो बहुत एक्साइटेड हैं झलक के लिए, तो चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो अर्जुन। हेलो, कैसे हैं आप? का इंतजार हो रहा था। बहुत अच्छा हूँ, वेलकम IBN 7, प्लीज कम इन। अच्छा, सबसे पहले घर, अर्जुन के घर में सबसे पहले घुसते तो एक इंसान का हमेशा हर कोई ढूंढता है। अयान ना? Yes सर, वो जगा हुआ था काफी देर तक, बट ही इज गोइंग टू स्लीप। और आपको पता है बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी सो सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज डन, ही इज गोइंग टू स्लीप। यूजुअली जब मैं तैयार व्यार होता हूँ तो मुझे जब तक वो नीचे नहीं आता, गाड़ी में गाना नहीं सुन लेता, एक ड्राइव नहीं ले लेता, वो मुझे जाने नहीं देता। बट Today I guess it's not going to happen. अच्छा, मतलब आज वो हमसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन आज यहाँ कोई और भी है जो जिससे आप मिलवा सकते हैं। And he's always been around. Yeah, Boozy, sit down, say hi to them. अर्जुन, आज हम आपके साथ पूरा दिन रहने वाले हैं, आप क्या क्या करने वाले हैं आज, हम सब देखने वाले हैं कि आज आपके जितने फैंस हैं वो साथ देख पाएंगे कि फाइनली आप कैसे बिताते हैं अपना पूरा दिन। जो अलाउड है टीवी पे दिखाना वो सारी चीजें कर लूंगा, जो अलाउड नहीं है वो मैं दिखा नहीं सकता। ओके, सो अब चल रहे हैं आप झलक के रिहर्सल्स में? चल रहे हैं, ऑल सेट टू गो फॉर रिहर्सल्स। चलिए चलते हैं आज, और देखते हैं ना आज आपकी रिहर्सल्स कैसी रहने वाली है। ओके, लेट्स गो। ओके, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। आपसे कोई इंस्पायर भी हो रहा है? आई थिंक आपके बेटे आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, वो आपको देख देख के काफी परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू हिम, आई वुडंट से बिकॉज़ ऑफ मी। मतलब वो, मैं एक डेढ़ साल के बच्चे को क्या सिखाऊंगा, बट ही लाइक लव्स डांसिंग और वो हमेशा यू नो ऐसे टीवी में देख के स्टेप्स कॉपी कर लेता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और वो बहुत एक्सप्रेसिव भी है, जैसे अगर वो ऐसे गेरुआ में ऐसे करता है तो ही एक्चुअली गो स्लोली, सो ही इज अंडरस्टैंडिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट ही इज डूइंग समथिंग करेक्ट। अच्छा, सेट्स पे बहुत सारे दोस्त भी बन गए होंगे, शक्ति तो पहले से ही आप लोग एक दूसरे को जानते हो, करिश्मा तन्ना है, तो दोस्ती यारी भी काफ़ी बढ़ रही है झलक के सेट्स पे? बढ़ रही है। और मेरा तो आपको पता ही है, आई एम वेरी चिल्ड आउट एंड आई लाइक टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड हैंग आउट एंड जस्ट हैव फन एंड डू सम मस्ती एंड क्रैक माई साइडी जोक्स, सो आई कीप डूइंग दैट विद एवरीबडी। अच्छा, जजेस की बात करें तो यू नो तीनों ही जजेस काफ़ी अच्छे हैं, तो उनसे कितना इंटरेक्शन रहा है, क्या किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और कितना हंसी मजाक हो पाता है सेट पे? और मनीष भी है वहाँ पे एंकरिंग करते हैं। मनीष, आई थिंक मनीष यू नो वो
वो सूत्रधार है शो का और द वे ही इज अ ग्रेट होस्ट एंड शायद ही कोई उससे यू नो मैच कर पाए एंड आई पर्सनली थिंक ऑल द थ्री जजेस आर सुपर्ब. झलक इस बार हॉट है तो जैकलीन का तो क्वेश्चन है ही लेकिन यू नो इतने सारे लड़के हैं हॉट हॉट सी लड़कियां भी हैं और आप लोग आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं यू नो दैट अर्जुन इज वेरी हॉट आपके फैंस आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो हॉट क्वेश्चन में आपने भी यू नो बहुत सारे नंबर्स ऐड किए. आई वुडंट टॉक अबाउट माय सेल्फ एज हॉट आई थिंक दैट वुड बी रियली स्टूपिड. लोग बोल रहे हैं आई एम थैंक यू सो मच कि इफ यू थिंक आई एम हॉट एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग ऐसा सोचते हो लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए हॉट कौन है तो ऑफ कोर्स जैकलीन बट शी इज द जज. सो इफ आई टॉक अबाउट द कंटेस्टेंट्स आई थिंक सारे लड़कों के एब्स हैं सब अपने अपने ऐप्स दिखाते रहते हैं तो सारे हॉट हैं और लड़कियाँ लाइक दे रियली टोन डाउन एंड एवरी वन इज लुकिंग सेक्सी एंड फैब्यूलस एंड यू नो बिकॉज ऑफ द डांसिंग ऑल्सो सब ने वेट भी लूज किया है तो सब बहुत शार्प लग रहे हैं. तो अब चलते हैं आपके यू नो रिहर्सल्स पे और वहाँ चल के भावना से मिलते हैं और पूछते हैं उनसे कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं. तैयारियाँ खूब हो रही है मतलब झलक पतली हो गई है. हाँ, ऑफ कोर्स हो रही है. इसके लिए वो डब्बा लेकर आऊँ लेकिन मैं खुद ही लेकर आया और मैं खा लेता हूँ इसमें. अपने दोस्त की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं शो में. बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो फिलहाल क्योंकि उन्होंने बहुत रियलिटी शोज नहीं किए हैं और ज़्यादा नहीं है मेरा पहला है. हाँ तो उन्होंने रियलिटी शोज नहीं किए हैं और उन्होंने डांस परफॉर्मेंसेज वो लेवल पे नहीं किए तो उनके लिए डेफिनेटली नया है. पर मेरे हिसाब से ये शो अर्जुन के लिए जस्ट परफेक्ट है क्योंकि आपका जो ग्रोथ होता है वो दिखता है और ये नए हैं डांसिंग में तो ये बहुत ही अच्छा करेंगे मुझे फेथ है. थैंक यू स्वीटहार्ट दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. अरे अर्जुन बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है बहुत हार्डवर्किंग है और बहुत पैशनेट है डांसिंग को लेके और बहुत इंजॉय करते हैं वो कोई भी नई फॉर्म सीखना ही रियली इंजॉयज इट ही रियली बहुत मज़ा आता है उनको कुछ भी नया सीखने में. सो वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट. आज के सारे फैंस से क्या कहना चाहोगी और आज का पूरा दिन आपका कैसा बीता? फैंस से यही कहना चाहूँगा कि दिस प्रिटी गर्ल इज रियली वर्किंग हार्ड ऑन मी और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा डांस कर सकूँ. आई जस्ट होप कि वो परफॉर्मेंस वाले दिन परफॉर्मेंस में दिखे जजेस को भी पसंद आए और जनता तो प्यार करती है तो थोड़ी बहुत बायस रहती है मेरे तरफ. थैंक यू. ये है अर्जुन बिजलानी जो कर रहे हैं काफ़ी कड़ी मेहनत झलक दिखला जा के लिए जो इस बार काफ़ी हॉट होने वाले हैं बहुत सारे हॉट हॉट कंटेस्टेंट्स के साथ. कैमरामैन राजेश के साथ रुचिका सिंह IBN 7 मुंबई. भाभी सच में बताना दाढ़ी में मैं बदमाश लग रहा हूँ क्या? हैं हैं सच में? चलो प्रॉमिस करता हूँ अगली बार जब आऊंगा ना तो दाढ़ी कटवा के आऊंगा. लेकिन भाभी एक बात बोलूँ किसी की शक्ल पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जिनकी दाढ़ी नहीं है और मुझसे ज्यादा खुराफाती और बदमाश है और तो और आपका नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. खैर भाभी प्रॉमिस किया तो निभाऊंगा. अभी वक्त तो चला मेरे जाने का लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना. भाभी जी प्लीज सुरक्षित रहना सचेत रहना और अपना ख्याल रखना.